तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरी एक और न्यू वीडियो के साथ फार्मिंग सिम्युलेटर 14 में स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे आपने मेरी पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा कि गाइस यहाँ पे जो कॉर्न था गाइस उसके हार्वेस्टिंग की थी। बाकी गाइस यहाँ पे गाइस पिछली बार अपने गाइस यहाँ पे जो वीट होता है गाइस उसकी सीडिंग कर दी थी। और गाइस यहाँ पे मैंने वीट की सीडिंग ही क्यों की है गाइस, क्योंकि गाइस यहाँ पे वीट के दो यूज़ होते हैं गाइस। एक तो गाइस यहाँ पे वीट की यानी कि अपने करते रहे गाइस अपने को वीट की जो फसल होती है वो मिलती है, और उसके बाद देखो गाइस ये जो पीछे जो निकल रहा है गाइस यहाँ पे जो कचरा बोल लो गाइस एक समझ लो निकल रहा है गाइस, इसका भी यूज़ होता है। तो गाइस उसका यूज़ यानी कि अपने को इसको अगर उठाएंगे तो गाइस इसको अपने गाइस जो बायोगैस प्लांट है गाइस वहाँ पे बेचेंगे तो गाइस अपने को उससे पैसे मिलेंगे। बाकी गाइस यहाँ पे उसके लिए अपने को एक यानी कि मशीन खरीदनी पड़ेगी जिसका नाम है लोडिंग वैगन। तो गाइस यहाँ पे चलता हूँ मैं शॉप के अंदर। यहाँ पे जो मैं मशीन बोल रहा था गाइस वो ये है लोडिंग वैगन, जिसकी कीमत है गाइस यहाँ पे $59,000। और गाइज इसमें एक बड़ी मशीन है ये है, लेकिन गाइज ये बंदे के पास अवेलेबल नहीं है। और गाइज यहाँ पे ये ही अपने पास एक है, और गाइज यहाँ पे मैं इसको ख़रीद ही लेता हूँ क्योंकि गाइज ये अपने बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इसीलिए। तो भाई यहाँ पे गाइज जो मशीन है उसको तो भी अपने ने खरीद लिया है, बाकी गाइज इसको लेने चलते हैं शॉप पे। और भाई गाइज यहाँ पे जो शॉप है गाइज वहाँ पे तो अपने आ चुके हैं, और भाई यहाँ पे ये रहा अपना लोडर वैगन। और गाइज इसकी साइज़ तो देख लो गाइज कितनी बड़ी मशीन है, और गाइज समझ लो उसके ट्रेलर के जैसा लुक आ रहा है, लेकिन गाइज ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। इससे गाइज यहाँ पे जो वीट की फसल होती है उसमें गाइज अपने को ज़्यादा काम आ सकती है। भाई यहाँ पे देख लो गाइज क्या ज़बरदस्त यहाँ पे लुक आ रहा है गाइज यहाँ पे जो लोडर वैगन है उसका, और भाई यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला मेरे को तो यहाँ पे लग रहा है। और भाई चलते गाइज इसको लेके गाइज अपना फार्म है वहाँ पे। और बाकी गाइज ये वाला जो अपना फार्म है गाइज यहाँ पे भी पूरी गाइज फसल आ चुकी है, गाइज बंदे को हायर कर देता हूँ क्योंकि गाइज यहाँ पे फार्म में गाइज एक भी फसल ख़राब नहीं होनी चाहिए इसीलिए। और यहाँ पे गाइज जो अपना लोडर वैगन है उसको तो लेके आ चुके फार्म पे, लेकिन गाइज यहाँ पे जो काम यानी कि करना चाहिए मैं सोच रहा था गाइज देखो गाइज ये जो है गाइज जो वीट का कचरा पूरा ये उठा लेगा और इसको बायोगैस प्लांट पे ले जाएगा। बाकी गाइज देख लो यहाँ पे मशीन तो नीचे आ रही लेकिन गाइज ये उठ नहीं रहा। लेकिन गाइज मुझे लगता है मैंने जो सोचा था वो गलत है, यानी कि इसका यूज़ कहीं दूसरी जगह होगा और अपने गाइज यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी गाइज यहाँ पे शायद तक कुछ ग्रास का आ रहा था यहाँ पे इंफॉर्मेशन का, यानी कि ग्रास जो होती है गाइज उसको उठाने का काम करता है। बाकी गाइज यहाँ पे गाइज $59,000 का अपने को झटका लग गया, यानी कि गाइज इसका यूज़ अपने को मैं सोच रहा था गाइज यहाँ पे जो कचरा होता है गाइज वो उठाएगा। बाकी गाइज ये तो गाइज इसका तो कोई अलग ही यूज़ होता, लेकिन गाइज कोई बात नहीं ये गाइज कहीं ना कहीं तो गाइज यूज़ होता ही होगा गाइज, अपने देखेंगे इसका यूज़ क्या आएगा। बाकी गाइज यहाँ पे जो हार्वेस्टर है उस बंदे को तो मैंने हायर कर दिया है, और भाई इसको मैं यहाँ पे अंदर पार्क कर देता हूँ ताकि गाइज यहाँ पे भी तो इसका यूज़ नहीं है गाइज। बाकी गाइज अंकल जो है उससे पूछेंगे भाई यहाँ पे इसका यूज़ क्या होता है, और फटाफट मैं इसको यहाँ पे पार्क कर देता हूँ एकदम स्पीड में। तो गाइज यहाँ पे जो अपना लोडर वैगन है उसको तो वहाँ पे पार्क कर दिया है। बाकी गाइज फटाफट गाइज ये जो फार्मिंग का काम है उसको भी निपटाना है मेरे को, गाइज फटाफट निपटा देता हूँ। और बाकी गाइज शायद तक यहाँ पे मिशन आ रहे थे मैं चेक करता हूँ इसको। यहाँ पे गाइज जो मेलन का लोड था गाइज यहाँ पे वो भी गाइज यहाँ पे घुमा गया है, तो गाइज हेल्प करनी है बिंदास यानी कि गाइज जो विलेजर उनको तो गाइज मैं ले लेता हूँ गाइज, जिसके अपने को मैंने तो गाइज जितने भी करे उसमें तो गाइज अपने को मिल जाएंगे गाइज $20,000 जितने तो मिल ही जाएंगे। बाकी गाइज लोकेशन किस साइड के गाइज यहाँ पे गाइज इस साइड पे, और भाई यहाँ पे जो इन है कि गाइज उस साइड की लोकेशन है। बाकी मैं यहाँ पे से जो बोलते ना गाइज ये जो वीट है गाइज उसको मैं पहले यहाँ पे नाख देता हूँ, बाकी फिर चल रहे लोकेशन पर। तो भाई गाइज यहाँ पे ले लेते हैं मेलन को, और गाइज यहाँ पे देख लो इजीली मिल गया गाइज यहाँ पे अपने को $20,000। और बाकी गाइज यहाँ पे जो हार्वेस्टर की स्टोरेज थी गाइज वो तो फुल हो चुकी है। बाकी गाइज यहाँ पे जो लोडर वैगन अपने ने खरीदा उसका तो गाइज यहाँ पे भी अपना यूज़ नहीं हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना गाइज यहाँ पे अपना देख लो बैलेंस गाइज यहाँ पे 2-3 दिनों से गाइज अपना इतना ज़्यादा ही, यानी कि गाइज कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं खरीदी अपने ने। मैं सोच रहा हूँ गाइज यहाँ पे गाइज अभी जो सोच रहा हूँ यानी क्या यहाँ पे गाइज जो फार्म होता है गाइज वो खरीद लो। तो गाइज यहाँ पे देख लो इतने ज़्यादा फार्म यहाँ पे सबसे करीब वाले जो होंगे गाइज उसमें से मैं खरीदने वाला हूँ, क्योंकि गाइज अपने पास इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं है कि गाइज हर एक फार्म में यानी कि रख दे ट्रैक्टर और हार्वेस्टर, अपने को गाइज यहाँ पे एक ही हार्वेस्टर और उससे काम चलाना होता है। तो गाइज यहाँ पे एक यानी कि करीब होंगे तो गाइज समझ लो अपना टाइम जो है गाइज वो बच जाएगा। तो गाइज ये वाला जो फार्म है गाइज $1,50,000 में अपने को मिल जाएगा, और पूरा गाइज यहाँ पे स्क्वायर टाइप का है। बाकी गाइज ये है $3,20,000 का,
और गाइज ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन गाइज अपने पास फिर गाइज यहाँ पे $10,000 जितने ही बचेंगे। फिर गाइज इतने ज़्यादा इतने कम भी नहीं रखूँ क्योंकि जिससे गाइज अपने को यानी कि मशीनरी खरीदनी हो तो गाइज यहाँ पे इंतज़ार करना पड़े, थोड़े तो रखेंगे। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ गाइज ये $1,50,000 वाला जो फार्म है गाइज ये मेरे को गाइज काफ़ी बढ़िया डील लग रही है, तो गाइज मैं इसको खरीद ही लेता हूँ। और भाई गाइज जो फार्म है उसको तो अभी उन्होंने खरीद लिया, बाकी जो हार्वेस्टर का यहाँ का जो काम है गाइज वो हो चुका है। बाकी गाइज यहाँ पे फटाफट गाइज यहाँ पे जो काम है उसको निपटा दूँ, और गाइज इस बार तो गाइज अपना जो न्यू वाला फार्म है वहाँ पे भी सीडिंग करनी पड़ेगी। और बाकी गाइज यहाँ पे जो अपना न्यू वाला फार्म है गाइज वहाँ पे भी बंदे को हायर कर देता हूँ, सीडिंग का काम भी गाइज यहाँ पे शुरू हो चुका है। और बाकी गाइज आज के दिन की जितनी भी फसल थी गाइज उसको तो स्टोरेज में मैंने यहाँ पे नाख दी है, बाकी देखते गाइज यहाँ पे चारों के चारों फार्म से कितनी फसल निकली है। तो गाइज यहाँ पे वीट देख लो गाइज यहाँ पे कॉर्न के जितना ही निकला है गाइज यहाँ पे 31,000 किलोग्राम जितना ही यहाँ पे निकला है, और कॉर्न भी गाइज चारों फार्म में से इतना ही निकला था, लेकिन गाइज जो कैनोला है गाइज वो थोड़ा बहुत ज़्यादा निकलता है। और बाकी गाइज ये अभी अपने जो न्यू फार्म खरीदा है गाइज उस पर गाइज जो सीडिंग का काम था गाइज वो तो निपटा लिया अभी अपनों ने, और गाइज यहाँ पे 90% जितने सीड्स गए यानी कि गाइज समझ लो कितनी तगड़ी वाली गाइज यहाँ पे से हार्वेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज पूरी जो मशीन है गाइज उसको मैं फुल करवा के यानी कि हर फार्म पे करता हूँ, और इस फार्म पे भी गाइज फुल यानी कि 100% थी गई यहाँ पे गाइज जो सीड्स होते गए वो पूरी मशीन में, और गाइज देख लो 10% जितने यहाँ पे बचे यानी कि गाइज यहाँ पे जो फार्मिंग है गाइज बहुत तगड़ी वाली गाइज इस फार्म से गाइज अपने आने वाली है। और यहाँ पे गए जो अपने पाँचों के पाँचों गए जो फार्म थे गए वहाँ पे गए जो फर्टिलाइज़र तक का जितना भी काम था गए वो भी अपने निपटा दिया है। बाकी गए आज का जो काम था गए वो तो मेरे लोडर वैगन खरीदने का था, लेकिन गए उसका यूज़ जो मैं समझ रहा था गए वो उसका यूज़ था ही नहीं, यानी कि मैंने सोचा था गए यहाँ पे जो वीट के पीछे यानी कि जो कचरा निकलता है गए वीट का उसको गए उठाने का काम करेगा और उसको अपने को बायोगैस प्लांट में यानी कि नाक के आना होगा, लेकिन गए उसका कोई दूसरा यूज़ है। बाकी गए यहाँ पे फार्म खरीदने का अपना कुछ था नहीं, लेकिन मैंने सोचा गए फटाफट अपने काम यानी कि अपने स्पीड लाने का जो अपना काम है उसके अंदर, इसीलिए गए मैंने गए जो अपना फार्म है उसको खरीद लिया। बाकी अच्छा ही होगा जब भी अपने खरीद लिया, बाकी गए जो अपना आज का काम था गए वो तो हो ही चुका है। तो गए हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।